जय माता दी। ओम सर्व मंगल्य मांगल्य शिवे सर्वात साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अर्थात हे गौरा माँ, आप ही सबका मंगल व कल्याण करने वाली हो। हे शिवे, आप ही जीवन की उत्तरदाय करता हो। आपकी शरण में आने से व्यक्ति के सभी प्रकार के मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, अर्थात सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। आप तीनों लोकों की ज्ञाता अर्थात तीनों लोकों को जनने वाली हो। आप ही तीनों नेत्रों वाले भगवान शिव की अर्धांगनी हो तथा आप ही भगवान नारायण की अर्धांगनी हो। अतः हम सब आपकी शरण में हैं और हम सभी भक्तगण नतमस्तक होकर आपको प्रणाम करते हैं। आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल शॉर्ट्स विद ज्योति में स्वागत है। वैसे तो नवरात्रि पर्व को लेकर अनेक प्रकार की मान्यताएं व कथाएं प्रचलित है, परंतु आज हम श्री वेद व्यास जी द्वारा रचित 18 पुराणों में से एक श्री मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत दुर्गा सप्तशती खंड में वर्णित दिव्य ज्ञान के माध्यम से ये जानने का प्रयास करेंगे कि हिंदू धर्म में नवरात्रि का पर्व क्यों मनाया जाता है। प्राचीन काल की बात है, महिषासुर नामक एक विशाल दैत्य था जो कि ब्रह्म ऋषि कश्यप और देवी धनो का पौत्र था। दैत्य राज रंभा का पुत्र था। जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, महिषी अर्थात भैंसा और असुर अर्थात बेतिया अर्थात महिषासुर का अर्थ हुआ भैंसा जैसा दैत्य जो कि अत्यंत बलशाली था। महिषासुर शक्तिशाली होने के साथ साथ ब्रह्मा जी का अनन्य भक्त भी था और उसने कई वर्षों तक ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। जब ब्रह्मा जी महिषासुर की तपस्या से प्रसन्न हुए तो उन्होंने महिषासुर को वरदान मांगने के लिए कहा। तब महिषासुर ने ब्रह्मा जी से अपने लिए अमर होने का वरदान मांगा, परंतु ब्रह्मा जी ने महिषासुर से कहा कि हे दैत्यराज, इस सृष्टि में जो उत्पन्न होगा उसका अंत भी निश्चित है, अतः मैं तुम्हें अमरता का वरदान तो नहीं दे सकता, परंतु इसके संतुल्य ही कोई वर मांगो। कुछ सोच विचार करने के बाद महिषासुर ने ब्रह्मा जी से कहा कि ठीक है ब्रह्मदेव, अगर आप मुझे अमर होने का वरदान नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, परंतु मुझे ये वरदान दे कि किसी भी देवता पशु पक्षी मानव या दानव के द्वारा मेरी मृत्यु ना हो सके। इस पर ब्रह्मा जी उसे वरदान देते हैं कि किसी भी देवता पशु पक्षी मानव या दानव द्वारा तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, परंतु किसी स्त्री द्वारा ही तुम्हारी मृत्यु होगी। इस प्रकार ब्रह्मा जी महिषासुर को वरदान देकर अंतर ध्यान हो गए, परंतु वरदान मिलने के बाद महिषासुर अत्यंत प्रसन्न हो गया और शक्तिशाली हो गया। अपने इसी मध्य में चूर होकर उसने ऋषि मुनियों तथा देवताओं को परेशान करना आरंभ कर दिया और पृथ्वी पर भी उत्पात मचाने लगा। फिर उसने देवताओं पर आक्रमण कर दिया जिससे कि देवता हार गए और इंद्र सहित सारे देवता वहां से भागने लगे। तब सभी देवता भगवान ब्रह्मा भगवान विष्णु और भगवान शिव के पास गए और उनसे सहायता करने के लिए प्रार्थना की। तब भगवान ब्रह्मा जी ने कहा कि इसको तो मेरा वरदान प्राप्त है कि किसी भी देवता पशु पक्षी मानव या दानव के द्वारा इसकी मृत्यु नहीं हो सकती है, परंतु किसी शक्तिशाली स्त्री के द्वारा इसको अवश्य मारा जा सकता है। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर तीनों देवता विचार करते हैं कि हम सभी अपने अंश से एक स्त्री का सृजन करेंगे जो महिषासुर का संहार करेगी। इस प्रकार तीनों देवों ने अपने अपने शरीर से एक दिव्य पुंज प्रकाशित किया। तीनों देवों से निकला पुंज मिलकर एक दिव्य स्त्री का आकृति ले लेता है जो कि अत्यंत आकर्षित व सुंदर होती है। फिर सभी देवों ने उसे अपने अपने अस्त्र शस्त्र दिए और अनंत शक्तियां प्रदान की जिससे कि वो एक शक्ति स्वरूपा हो गई। सभी देवताओं ने देवी शक्ति से प्रार्थना की कि हे देवी, आप महिषासुर नामक दैत्य से हमारी रक्षा करें। इस प्रकार देवी शक्ति देवताओं की प्रार्थना स्वीकार करती है और महिषासुर से युद्ध करने के लिए चली जाती हैं। जब महिषासुर देवी शक्ति को देखता है तो उनके सौंदर्य पर मोहित हो जाता है और उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रखता है।
इस पर देवी शक्ति उसके सामने एक शर्त रखती है कि तुम मेरे साथ युद्ध करो, अगर तुम मुझे परास्त कर दोगे तो मैं तुमसे विवाह कर लूंगी। महिषासुर भी देवी की शर्त स्वीकार कर लेता है और देवी के साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है। इस प्रकार महिषासुर और देवी शक्ति के बीच घनघोर युद्ध होता है जो कि 9 दिनों तक चला। इन 9 दिनों में देवी शक्ति ने महिषासुर को परास्त करने के लिए रात्रि के समय 9 अलग अलग रूप धारण किए और 9 दिन तक भयंकर युद्ध करने के बाद 10वें दिन महिषासुर का वध कर दिया। इस प्रकार देवी शक्ति ने दुर्ग जैसे दैत्य महिषासुर का अंत कर दिया, जिसके कारण उनका नाम दुर्गा पड़ गया, या यूं कहें कि महिषासुर जैसे दुर्गनी का नाश करने के कारण उन्हें दुर्गा कहा जाता है। इस प्रकार महिषासुर का अंत होने से सभी देवता व ऋषिगण अत्यंत प्रसन्न हो गए तथा देवताओं का स्वर्ग पर अधिकार पुनः प्राप्त हो गया। सभी देवता देवी दुर्गा की उपासना करने लगे और उनकी जय जयकार करने लगे। अतः तभी से सभी देवतागण ऋषिगण व भक्तजन माता शक्ति का 9 दिनों तक पूजा अर्चना करते हैं, माता के 9 रूपों की उपासना करते हैं। 10वें दिन विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है जो कि बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस प्रकार माता शक्ति की पूजा अर्चना करने के लिए 9 दिन नवरात्र के रूप में मनाया जाता है। सभी माता के भक्त जन 9 दिनों तक पूजा उपासना करते हैं, उपवास रखते हैं। छोटी कन्या माता के 9 रूपों का स्वरूप मानी जाती हैं और उनका पूजन किया जाता है। घर में उनके पैर धोए जाते हैं, उनका जीमन किया जाता है और उनका आशीर्वाद लिया जाता है। ऐसा करने से माता अत्यंत प्रसन्न होती हैं और सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं और उनको सुख समृद्धि भी प्रदान करती हैं। तो ये थी हिंदू धर्म में नवरात्रि पर्व के बारे में एक छोटी सी जानकारी। हम आशा करते हैं कि आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कृपया हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को शेयर करें।